नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। चलिए शुरुआत करते हैं खास खबरों की। परशुराम मंदिर शिवाजी नगर में सभी ब्राह्मण समाज मंदिर में पूजा अर्चना एवं परशुराम जयंती मनाई गई एवं सुनील पांडे पूर्व उपाध्यक्ष भोपाल विकास प्राधिकरण सुनील पांडे उपस्थित रहे। परशुराम जयंती शुभ अवसर पर हमारे चैनल से क्या कुछ कहा संवाददाता सुशील दामले ने। भगवान विष्णु के छठवें अवतार, हमारे आराध्य, हमारे सब कुछ, आज जो हैं हम इन्हीं से हम हैं। हमारे भगवान परशुराम जी, ऐसे भगवान परशुराम जी और दतिया वाले पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने कहा है, प्रजातंत्र के प्रथम संस्थापक भगवान परशुराम जी ने प्रजातंत्र की स्थापना की थी, संस्थापना उन्होंने की थी। ऐसे भगवान परशुराम जी का प्रकटोत्सव संपूर्ण ब्रह्मांड में मनाया जा रहा है, ब्रह्मांड में। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम लोग उनके कुल में जन्म लिए हैं। बोलिए परशुराम, परशुराम की जय, जय जय भार्गव। आज बड़ा खुशी का, सौभाग्य का दिन है हम ब्राह्मणों के लिए। आज भगवान परशुराम जी, जिनके हम लोग वंशज हैं, उनका आज जयंती है। तो आज पूरे देश में खुशी का, भारतवर्ष में हर्षोल्लास का वातावरण है। और ब्राह्मण के बारे में अब क्या कहूँ। ब्राह्मण तो सर्व समाज द्वारा पूजा जाने वाला एक व्यक्तित्व है, एक धर्म है, एक पूजा है। ब्राह्मण सब कुछ है। बस यही ब्राह्मणों से निवेदन करूँगा कि अपने कर्म कांड और अपने यशोगान को मत छोड़िए। ब्राह्मण जागेगा तो देश जागता है। कभी ब्राह्मण गुस्सा हो जाए, ब्राह्मण कभी उल्टी दिशा में चला जाए, तो वो हम नहीं चाहते, नहीं तो भूचाल भी आ जाता है। ये है ब्राह्मण। जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम।